फरियाद कर रहा है। नगर निगम ने शासन से अपने लगभग 270 करोड़ रुपए मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आर्थिक तंगी से जूझ रहा कानपुर नगर निगम, नगर आयुक्त ने सरकार से की फरियाद। राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से मांगा बकाया रुपया। कानपुर नगर निगम ने मांगे करीब 270 करोड़ रुपए। कर्मियों के पेंशन और वेतन के लिए परेशान है नगर निगम। नगर आयुक्त ने प्रमुख सचिव नगर विकास को लिखा पत्र। आर्थिक तंगी से जूझ रहा कानपुर नगर निगम अब केंद्र व राज्य सरकार के सामने तंगी को दूर करने की फरियाद कर रहा। नगर निगम ने शासन से लगभग 270 करोड़ रुपए मांगे। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक उपक्रम संस्थानों पर नगर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके कारण राजस्व संग्रह कम होने से नगर निगम को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवानिर्मित कर्मियों को वेतन पेंशन देने में मुश्किल हो रही है। इसमें हाँ, जब हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी चर्चा हुई थी इस वर्ष के देवकों की किस तरह से वसूली होनी है, उसमें यही सुझाव दिया गया था कि जो सरकारी देय हैं अगर शासन स्तर से ही पूरे कर लिए जाएं तो वहाँ से प्रपोजल मांगे गए थे, तो उसी क्रम में हमने सारे वर्ग के अलग अलग प्रपोजल करके वहाँ भेजे हुए। बकाया सूची में राज्य सरकार के 21 विभाग, केंद्र सरकार के 6 सार्वजनिक उपक्रम और 5 विभागों के नाम शामिल है। इसमें भारतीय रेलवे सबसे बड़ा बकायेदार है। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा बकायेदार है, तो वही दूसरा बकायेदार इंडियन बॉटलिंग प्लांट है। जबकि राज्य सरकार के 60 विभागों जैसे कैस्को, वस्त्र भवन, कानपुर विकास प्राधिकरण, पावर हाउस और लेबर ऑफिस शामिल है। जी विभिन्न ऐसे सरकारी विभाग है, चाहे वो राज्य सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों या पब्लिक सेक्टर जो हमारी यूनिट्स हैं उसे, जिनके नगर निगम पे और हमारे जलकल पर भी दे थे, तो इस वर्ष की शुरुआत से ही हमने उसको परस्यू करने के लिए राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की है कि टोटल जलकल के 37 करोड़ के और 233 करोड़ के नगर निगम के अलग अलग वर्ग में केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे और PSUs पे हमारे देय लंबित हैं। मैं रिक्वेस्ट की है कि इस पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकारी विभाग से जो बजट का अलॉटमेंट होता है शासन स्तर से, वहीं से ही करके नगर निगम को यह धनराशि मिल जाए। तो हम इन विभागों में धन वापसी के लिए नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बकाया राशि को शासन स्तर पर ही काट कर नगर निगम को सौंपने की बात कही है। साथ ही वह लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी प्रतिनिधियों और सरकार से चर्चा भी कर रहे। एक तो खाज ऊपर से खुजली या मुहावरा कानपुर नगर निगम को बिल्कुल फिट हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा कानपुर नगर निगम अब सरकार से गुहार लगा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और विभागों पर जो लगभग 270 करोड़ रुपए का बकाया है वह उसे वापस मिल जाए। इसके लिए कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार से बात कर रहे हैं और उन्होंने प्रमुख सचिव को एक पत्र भी लिखा है। अब देखना यह होगा कि उनके लाख प्रयासों के बाद भी बकाया धनराशि कब वापस आएगी और नगर निगम की आर्थिक तंगी दूर होगी। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा बुलाई